नमस्कार मित्रों जय माता दी माता रानी की कृपा से फिर से एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं आज के वीडियो वाले जातकों के लिए बहुत खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आज के दिन का क्या रहने वाले आपका भाग्यशाली रंग और क्या रहेंगे आपका भाग्यशाली अंक और आज का दिन सरिया कैसे रहने वाली है और आज के दिन आपको कैसे कार्य करना है और आज के दिन आप सभी को किन किन चीजों से आपको लाभ मिलने वाली हैं और कि इनके इन चीजों से आपको सावधान रहना है इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है वीडियो को पूरे अंत तक देखें और वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जय माता दी और अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें कि ताकि रोज़ाना राशि फल आपको समय समय पर मिल सके भीड़ भाड़ भरे इलाकों में यात्रा करते समय रक्तचाप के रोगियों के लिए अतिरिक्त सावधान भी रहने की आवश्यकता है आज आपको किसी अज्ञात स्रोतों से पैसा भी प्राप्त हो सकते हैं जिससे कि और आपकी कई आर्थिक परेशानियां भी दूर हो जाएंगी दोस्त शाम कल भी कोई भी बढ़िया योजनाएं बनाकर आपका भी दिन भी खुश नुमा भी कर देंगे प्यार मुहब्बत के मामले में जबर जल्दबाजी में से कदम उठाने के से बचने होंगे ऐसा लगता है कि कुछ समय के भी आप नितार भी एकाएकी और सहकर्मी सहयोगी मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं लेकिन वे ज़्यादा सहायता नहीं कर पाएंगे अपने बच्चों के लिए आज समय के लिए सदुपयोग करने की सलाह दे सकते हैं जीवन साथी के साथ में विवाद विवाद होने की काफ़ी संभावना भी रहने वाली है और आज कोई भी छुपी हुई बात आपके सामने आ सकते हैं जिससे आप मुसीबत में बस जाएंगे स्त्री वर्ग के लिए दिन भी खास तौर पर फायदेमंद रहेंगे हालांकि घर के भी अलावा और बाकी कामों में भी उनका योगदान रहेंगे विद्यार्थियों के लिए मन में पढ़ाई में भी लगेगा और ज़्यादा कामों में उलझनों से भी फंस कर भी आप अपने जीने जी और जीवन के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे अपने स्वभाव और काम करने के तरीकों में समय के हिसाब से बदलाव करना भी जरूरी है अपने खास चीज़ों को भी संभाल कर रखने होंगे चोरी होने जैसी स्थिति भी बन रही हैं और बिजनेस की योजना पर भी और काम करने के लिए बहुत ही अच्छा भी समय रहने वाली हैं इनपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित व्यवसाय में ज़्यादा फायदा भी रहेगा और कोई भी बड़ा ऑफर भी मिलने से मन मुताबिक फ़ायदा हो सकते हैं ऑफिस में किसी सहयोगी के साथ में मतभेद हो सकते हैं परिवारजनों का भी साथ समय व्यतीत करने से ताजगी व ऊर्जावान महसूस करेंगे प्रेम संबंधों में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी ब्लड प्रेशर तथा डायबिटीज लोग अपना विशेष ध्यान रखें तथा नियमित जांच भी अवश्य करवाएँ और आजब का भाग्यशाली रंग रहने वाली है हारा और आजब का भाग्यशाली अंक रहने वाली है जो आज के दिन के लिए आपके लिए बहुत ही और बहुत ही लाभदायक रहने वाली है और आज परिवार के लोगों की एक बड़ी खरीदारी हो सकती है अपने विचार सोच समझ कर प्रकट करें काम पर भी ध्यान देते हुए बदलाव करने की कोशिश करें परिवार के लोग क्षमता के अनुसार आपकी मदद करेंगे लेकिन जो दिक्कतें आपको सता रही हैं उनके हल भी आपको ही खोजना भी पड़ेगा काम संबंधी दिक्कतें दूर करने के लिए भी काम पर भी बारीकी से भी ध्यान देना होगा और इस इच्छा भी विरोध भी निर्णय लेने में से पार्टनर्स के लिए और आज के दिन नाराज़गी भी बढ़ सकती हैं कमर में दर्द और परेशानियाँ भी बढ़ने वाली हैं और आज के दिन महिलाओं के लिए विशेष रूप से भी दिन भी अच्छा भी हैं सुकून भी भरा भी और समय रहने वाली हैं नई योजनाएं आपके लिए बनेंगी और आपके बात को भी करने का अंदाजा भी और दूसरों को आकर्षित करने वाली हैं और काम के अधिकार भी, भी आपके स्वास्थ्य पर भी प्रभावित कर सकती हैं। पुरानी नकारात्मक और अपने ऊपर हावी ना होने दें वर्तमान में जीना सीखें और किसी भी काम में जल्दबाजी की बजाय सजाता से पूरा करें कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव भी बना रहेंगे सेहत भी अच्छी भी रह सकती हैं सफेद वस्तु का भी दान कर दें तो सेहत भी आपके लिए अच्छी रहने की पूरी संभावना भी रहने वाली घरों की स्थिति भी अनुकूल है और आपका प्रदर्शन उम्मीद के बेहतर कर और रहने की भी संभावना है इसलिए कुछ दिनों से चली आ रही दिनचर्या में शिकार्तम बदलाव आएंगे आप सामाजिक गतिविधियों में शामिल होंगे संतान में से निवेश को भी लेकर भी साझ की स्थिति रहेंगे आज यात्रा से बचें ध्यान रखें आलस और ज्यादा भी सोच विचार से समय बर्बाद भी हो सकते हैं शिवलिंग पर भी दूध चढ़ा देने से आज समय के सोच विचार से भी जो भी बर्बाद होने की समस्याएं चल रही थी वह भी दूर होंगी आज के दिन कड़ी मेहनत आपके भी अपनी और आपको भी सफलताएं मिलेंगी पारिवारिक मामलों में से आपको फैसला सरपली रहेगा और भाइयों के साथ में विवाद के भी राज तनाव भी ना होने दें अत्यधिक सारी गतिविधि हानिकारक हो सकते हैं भारी और आज के दिन लोगों के साथ में लेन देन करते समय सावधान रहें आपको अपनी कार्यशैली में से कुछ बदलाव भी करने की भी और आज के दिन जरूरत भी है माता पिता का आशीर्वाद ले लें तो कुछ बदलाव करने की भी जरूरत भी आपके ऊपर भी अच्छी तरह से भी रह पाएंगे आज के दिन पुराने मर्द सुलझेंगे आप कभी और भी समर्पण के सांस किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा भी कर सकते हैं संतान के से जुड़ी समस्या का समाधान भी मिलने से राहत मिलेंगे और किसी भी अशुभ समाचार भी आपको मिल सकते हैं और अपनी जोड़ी राज के दिन दस्तावेजों को भी सेव करने होंगे सपनों की दुनिया में राज के दिन बाहर निकलने होंगे हकीकत को सामने निकालने के लिए भी राज किसी पर भरोसा करना भी दुख भी दे सकते हैं गो माता को भी हरा चारा खिला दें तो आज आपके ऊपर जो भी दुख होने की समस्याएं चल रही थी वह समस्या भी दूर होंगी आज आप सोचने की भी आत्मनिरीक्षण करने का समय यदि ट्रांसफर की भी कोई योजना है तो समय ठीक है किसी पीर मित्र के साथ में यात्राएं होंगी पुरानी यादें भी आपके लिए ताजा भी ताज़ा भी होंगी और आज के दिनों आपके लिए भी और आपके लिए बेहतरीन यही होगा कि आप एक दूसरे के मामलों में दखल अंदाजी भी ना करें वरना नुकसान हो सकते हैं किसी गरीबी से बात बात भी ना करें व्यापार में आज कोई भी रुकावटें आ सकती हैं माता लक्ष्मी की भी पूजा कर दें तो व्यापार संबंधी जो रुकावटें होने की समस्या चल रही थी वह भी दूर होंगे आपके पास पास कभी आपका ध्यान और समय बांटने वाली बहुत ही गतिविधियों पर भी चल रही छोटी मोटी बातों का भी समय पर व्यर्थ भी ना करें एकाग्र रहें और तभी आपकी मुक्त भी ऊर्जा का प्रभाव अनुभव भी और हो पाएंगे अगर आपको यह यदि मिल गया है तो आपकी ज़िंदगी बन जाएंगे घबराएं नहीं ध्यान से भी आप समझ कर भी रहने के भी और अवसर भी आपको लाभ उठाएंगे सफलता की कुंजी सी प्राथमिकताएँ तय करने से भी मिलने वाली हैं अब आपके लिए भी खुद के सवारने के लिए खुद के भी और ध्यान रखने का समय है आप अपनी से सह सेहत को हल्के में ले रहे हैं लेकिन अब आपको भी यह समझना होगा कि छोटी सी समस्याओं को भी नज़रअंदाज कर देने से भविष्य में बड़ी और आपके भी समस्याओं में बदल जाएंगे और आप आज के दिन किसी भी और स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों से घरेलू नुखों के काम चलाते रहें इससे आपको भी फायदा भी हुआ है लेकिन अब आपको भी अपनी समस्याओं का संतोषजनक समाधान के लिए डॉक्टर की मदद भी लेने भी आपको भी पड़ सकती है आज के दिन और प्यार के भी उपयुक्त हैं अपने पीढ़ी के भी अपनी प्रशंसा और प्यार का इजहार और उसके लिए कुछ स्पेशल करने करके करने होंगे देखें कि दिन कैसे खास बन जाएंगे रोमांस की भावनाएं तो अगर आप अकेले हैं तो आज आपकी मुलाकात अपने प्यार से भी हो सकती हैं फिर भी आप अपने किसी करीबी की वही और नए सिरे से रोमांटिक और तरीके से देख सकते हैं आज आप में से अपनी जिम्मेदारियों को से बचने के लिए स्वाभाविक परिवृत्तिक रहेंगी लेकिन यह स्थिति आपके वरिष्ठ अधिकारों के साथ